भागना ही है तो दुनिया से भाग जो तुझे जलील करने की प्लानिंग्स कर रही है, दुनिया वालों से भाग जो तुझे गिराने की ताक में। अल्लाह से क्यों भाग रहा है? वो तो तुझे इज्जत देगा, वो तो तेरी दुनिया और आखिरत बनाएगा। पानी के एक कतरे से जो तुझे वजूद दे सकता है, तेरी हड्डियों को बना सकता है, तेरे हाथों को जो उठाने की ताकत, तेरे पाँव को जो चलने की सलाहियत और तेरी आंखों को जो देखने की सलाहियत दे सकता है, क्या वो तुझे इज्जत नहीं दे सकता? क्या वो तुझे सुकून नहीं दे सकता? अरे बहुत सारी ऐसी चीजें जो तूने मांगी ही नहीं थी, लेकिन उन चीजों का होना तेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिन मांगे वो सारी चीजें तुझे अता कर दी। तो सोच, जब तू मांगेगा तो मांगने के बाद उसकी अताओं का क्या लेवल होगा? तू नहीं समझता इस बात को, तू अनजान है अपने रब से, इसीलिए तो तू भाग रहा है। जिस दिन तुझे अपने रब का पता चला ना, जिस दिन तेरे दिल के अंदर रब की मोहब्बत उतर गई, जिस दिन तेरा दिल दुनिया से कट गया और आखिरत पर लग गया, उस दिन तू अपने हाथों से हर उस चीज को कुर्बान करेगा जो तेरे और तेरे रब के ताल्लुक के दरमियान आएगी।